दिवसीय क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 21 अगस्त को आयोजित किया गया था। अवार्ड फंक्शन में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को इस साल का मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसी बीच मुंबई में राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। समारोह में विराट कोहली को मेंस ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और मोहम्मद शमी को मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं बल्कि बीसीसीआई सचिव जय शाह को एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए शाह ने कहा, जैसा कि मैंने आपको राजकोट में बताया था कि हम बारबाडोस में अपना झंडा फहराने जा रहे हैं और हमारे कप्तान ने ऐसा ही किया। अगर हमें 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम आगे भी ऐसा ही कर सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और महिला टी20 विश्व कप। अगर बात वुमेन्स क्रिकेट की करें तो हरमनप्रीत कौर को टी20 इतिहास के अधिकांश मैचों में भारत का नेतृत्व करने के लिए मेमो दिया गया। स्मृति मंधाना को इस साल की वुमेन्स इंडियन बैटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। दीप्ति शर्मा को इंडियन बॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवार्ड फंक्शन में फैंस को एक बहुत अच्छा मोमेंट इंजॉय करने को भी मिला। जी, अवार्ड समारोह के दौरान श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा के लिए एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग इशारा किया जो सोशल मीडिया पर अब वीडियो के रूप में वायरल हो रहा है। वीडियो में अय्यर जो पहले से ही बैठे हुए थे, रोहित के आते ही अपनी कुर्सी से उठ गए और कप्तान को अपनी सीट की पेशकश की। रोहित मुस्कुराए और अपनी सीट पर बैठ गए जबकि अय्यर उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। इसे देख फैंस ने श्रेयस की खूब तारीफ की और इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की एक दूसरे के प्रति इज्जत की भी खूब तारीफ हुई। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।